गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ माता रानी के दोस्त आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज मैं गया हूँ बनाने मसाला उत्तप्पा, जो साउथ इंडियन नाश्ता होता है, तो प्लीज़ बहुत लाभदार चकदार होता है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहें, आप लोग हमें सजा करा दो। दोस्तों ये रहा मेरा मसाला उत्तप्पा, ये साउथ इंडियन नाश्ता होता है दोस्तों, और इसका चटनी भी दिखाऊँ क्या आप लोग को? दोस्तों चटनी भी दिखा दूँ दोस्तों, ये रहा हमारी चटनी, चटनी भी कल काउंट कर लग के रेडी तैयार है, ऑनली खाली काउंटर पर जाएगा सर्विस होने को। तो दोस्तों आप लोग देखिए, यही है मसाला तप्पा, बहुत अच्छे होते हैं, जाकर आप लोग भी जो जो खाएँ अगर नहीं देखते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन है, अपने साउथ इंडियन में ज़्यादा चलता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसे किस किस साथ दिखाएँगे पसंद है। ये दोस्तों तो प्लीज आप लोग बने रहे हमारे तरफ में, तो और बताइए दोस्तों आप लोग कैसे हैं, कैसे हमारे पाए साल इतना आ गए हैं, अब इसको निकालने के रूप में तैयारी भी। ले जाओ ले जाओ, दूसरा काउंटर ले रखो, ले जाओ। तो दोस्तों नमस्कार, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सुबह आपकी डाल लेने के लिए तैयार हूँ। तो और बताइए दोस्तों आप लोग कैसे हैं, और देखिए हमारे कैंटीन के आगे नए नए फूल लगने चालू हो गया है, ये सब पहले नहीं लगा हुआ था, ये सब लगा है दोस्तों, और इधर से भी कटिल हो रहा है। तो दोस्तों और बताइए आपको, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मसाला उत्तप्पा पता है कि नहीं, कितने आदमी को पता रहता है कि भी साउथ इंडियन है, अपने वेस्टर्न इंडियन और उत्तर भारत में बहुत कम होता है, तो आजकल तो हर जगह मिलने लगा है, पर भी फिर भी अभी उतना नहीं मिलता है जितना साउथ इंडियन में मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है, और आप लोग इसे किस किस आदमी ने खाए हैं, और किनको किनको पसंद है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग से इतना ही पे विदा लेता हूँ, तो तब के लिए जय हिंद, जय मिथिला, जय अयोध्या, बाय बाय। और ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ माता रानी के द्वारा आप लोग कहीं भी रहें ठीक ठाक रहें, ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ हमारे ब्लॉग को आप लोग पूरे देखिएगा, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग देख रहे हैं, और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, एक आप लोग एक दूसरे के सपोर्ट करिएगा तो आप लोग को भी एक दूसरे सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी।